बड़ी खबर के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। नमस्कार, मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई की, जिस पर रेव पार्टी करने के आरोप में 8 लोगों को पकड़ लिया गया है, जिनमें से एक नाम शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का भी, और इस वक्त उनसे पूछताछ हो रही है। छापेमारी में ड्रग्स की रिकवरी भी हुई है। एनसीबी सूत्रों की माने तो आर्यन ने पूछताछ में बताया कि उसे पार्टी में वीआईपी गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया था और उनके नाम का इस्तेमाल करके बाकी तमाम लोगों को पार्टी में इनवाइट किया गया था। रेव पार्टी में छापेमारी में जिन 8 लोगों से पूछताछ हो रही है, उनके नाम आपको बता रहे हैं। आर्यन खान तो है ही, साथ ही अरबाज मर्चेंट है, मुनमुन धमीचा है, नुपुर सारिका, इसमीत सिंह, मोहक जसवाल, विक्रांत छोकर, गोमित चोपड़ा है। एनसीबी ने साफ कहा कि उन्होंने पूरी कार्रवाई खुफिया जानकारी मिलने के बाद की है। आर्यन खान से इस वक्त पूछताछ हो रही है। मुंबई में एनसीपी का की बड़ी कार्रवाई, एनसीपी का रेव पार्टी पर छापा। मुंबई में रेव पार्टी पर रेड के बाद जिन 8 लोगों को पकड़ा गया, उनसे एनसीपी की पूछताछ लगातार हो रही है। सूत्रों की माने तो नियम के अनुसार इन लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके बाद एनसीपी इस पूरे मामले में आगे की जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाएगी। और जितेंद्र शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता। जितेंद्र, जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, 8 लोगों को जिनको पकड़ा गया है, उनसे एनसीबी की पूछताछ तो हो रही है, साथ ही साथ उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जा रहा है, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए निधि, इन सभी 8 लोगों को रेव पार्टी के पास से रेड करके एनसीबी ने हिरासत में लिया है। कल देर रात इन सभी 8 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम इसमें सबसे बड़ा है, और उसके अलावा जो गोमित चोपड़ा है वो एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है, इसके अलावा मोहक जायसवाल है, वो बताया जा रहा है कि दिल्ली के ही रहने वाले हैं, एक बड़े परिवार से वो ताल्लुक रखते हैं। और इन्हीं सभी 8 लोगों से, जिनके नाम मैं बता दूं, मुनमुन धमीचा, नुपुर सारिका, इसमीत सिंह, मोहक जायसवाल, विक्रांत छोकर, गोमित चोपड़ा, आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट, ये 8 लोग हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। एनसीबी का एक प्रोसेस होता है जिसके तहत इन सभी लोगों से बयान दर्ज किए जा रहे हैं। और इसमें एक बात मैं बता दूं निधि, कि इन सभी जो आरोपी हैं जिनको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है, इन सभी लोगों के जो बयान दर्ज किए जा रहे हैं वो एक तरह से आप मान के चलिए कि उनकी कानूनी मान्यता इस तरह से होती है कि जो भी बयान दिए गए हैं उसको आप समझिए कि मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान के तौर पर इनको माना जाता है, यानी कि जो बयान दिए गए हैं इस बयान से वो मुकर नहीं सकते। जो अभी तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक आर्यन खान ने कहा है कि उसे एक सेलिब्रिटी गेस्ट के तौर पर पार्टी में बुलाया गया था, जिसमें वीवीआईपी एंट्री थी उसकी, और उसी के नाम पर बाकी सभी गेस्ट को बुलाया गया। लेकिन एनसीबी का कहना है कि इन सभी 8 लोगों के पास से ड्रग्स मिली है, जिसमें कोकेन है, एमडीएमए है, एक्सटेसी है, चरस है, इस तरह की ड्रग्स मिली है। इसमें सबसे बड़ा सवाल इसमें निधि अब ये है कि वो क्वांटिटी क्या दिखाते हैं। अगर क्वांटिटी कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, अगर इन सभी 8 लोगों के पास से जो क्वांटिटी मिली है, अगर वो कंज्यूमेबल आइटम क्वांटिटी, यानी कि सिर्फ खुद के लिए लेने के लिए जो क्वांटिटी है, अगर वही निर्धारित मिलती है और उतनी ही क्वांटिटी मिलती है, तो इनको एनडीपीएस की सेक्शन 27 में बुक किया जाएगा। जिसका मतलब ये है कि इन सभी लोगों के पास से जो ड्रग्स बरामद हुई है वो उन्होंने खुद के कंज्यूम करने के लिए ली थी, उसमें किसी भी तरह से फाइनेंसिंग, ट्रैफिकिंग या ट्रेडिंग का इस तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आई, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट होता है, उसी अमाउंट की क्वांटिटी अगर मिलती है तो ही वो उसी दायरे में आती है। लेकिन अगर उस दायरे से ज्यादा ड्रग्स मिलती है तो निश्चित तौर पर इनके लिए दिक्कत होने वाली है। अगर वाकई में इन सभी के पास से ड्रग्स मिली है तो उसमें अगर उस सर्टेन अमाउंट से ज्यादा मिलती है तो इन सभी लोगों को एनडीपीएस की सेक्शन 27A में बुक किया जाएगा, यानी कि ये इसमें धारा में आ जाएगा कि इन सभी लोगों को फाइनेंसिंग, ट्रेडिंग और जो उसके अलावा जो हार्बरिंग है, ये सभी ऑफेंसेस के ऊपर लग जाएंगे, जिसमें कम से कम जो सजा है वो 10 साल है। तो ये अब देखना होगा कि जो एनसीबी इनसे पूछताछ कर रही है और जो रिकवरी हुई है वो कितनी आइटम जो है, कितनी क्वांटिटी इनके पास से रिकवर हुई है, किस तरह से बयान ये सभी लोग देते हैं, और उसके बाद एनसीबी इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल इन सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है, बयान दर्ज किए जा रहे हैं, बयान दर्ज करने के बाद ही जो एनसीबी है इन सभी लोगों के खिलाफ आगे की कार्रवाई करेगी। अगर इसमें पाया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास से वाकई में ड्रग्स नहीं मिली है, सिर्फ शक के आधार पर उनको हिरासत में लिया गया था, निश्चित तौर पर उनको यहीं से उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से एनसीबी के सूत्र अभी बता रहे हैं, जो हमारी खुद बात हुई है सीनियर ऑफिशियल से जो कि मुंबई एनसीबी से की इस रेड में शामिल रहे थे, उनका कहना है कि इन सभी के पास से ड्रग्स मिली है, कंज्यूमेबल अमाउंट मिला है जो अभी तक उन्होंने बताया है, तो निश्चित तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज मान के चलिए कि देर शाम तक जो है इनके खिलाफ जो है बयान दर्ज करने के बाद
तस्वीर साफ हो जाएगी कि किन सेक्शन के तहत इन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और आगे कब इनको अदालत में पेश किया जाएगा। बिल्कुल, और इसी स्टेटमेंट के आधार पर जो अगली कार्रवाई है वो भी निर्धारित होगी। राजीव रंजन लगातार मुंबई से मेरे साथ है। राजीव, पहले से बहुत सारा इनपुट था और वो इनपुट जब गहरा गया, शक और ज्यादा बढ़ गया, उसी के बिना पर ये बड़ी और कड़ी कार्रवाई इस रेव पार्टी पर रेट के तौर पर एनसीबी की सामने आई है। और क्या जानकारी आपके पास राजीव रंजन? देखिए, जाहिर है कि एनसीबी ने पिछले लगभग एक साल में ये ड्रग की मामले को कार्टेल को पूरी तरह से ब्रेक करने के लिए अलग अलग कवायदे की है। वही कवायद है कि इस रेव पार्टी पर भी जो पुख्ता इनपुट मिले थे इसके बाद कार्रवाई की गई थी। इस रेव पार्टी में खास करके जो पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई की है उसमें ये साफ जाहिर है कि इसको बड़े ही बारीकी तरीके से हर चीज को एक पुख्ता जानकारी मिली है। उस पुख्ता जानकारी के आधार पर ही पुलिस ने इसे आईसी में जाके कार्रवाई की है, क्योंकि रेव पार्टी को पुख्ता जानकारियां जिस तरीके से अलग अलग इस पे इन्वाइटी थे, अलग अलग इनके एक खास करके इसमें जो पूरी पार्टी को ऑर्गेनाइज करने वाले जो एजेंसी थी उसने एडवर्टाइज किया था और लोगों को वहां बुलाया था। इस बारे में जानकारी जैसे ही मिली थी तो उसी तरह से प्लान बना लिया गया था, क्योंकि अगले 3 दिनों तक ये पार्टी चलने वाली थी, 2, 3 और 4 तारीख तक चलने वाली थी। लेकिन जिस तरीके से जो शुरुआती दौर में ही ये पूरी पार्टी का खुलासा हुआ और लोगों को पकड़ा गया एनसीबी की तरफ से, तो अब ये जाहिर हो रहा है कि इस ये पूरी प्लानिंग किस तरीके से की गई थी। हालांकि जो 8 लोगों जो जिन्हें पूछताछ के लिए रखा गया है और जिनसे जिनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं उसमें कई बड़े नामचीन लोगों के भी हैं, लेकिन एनसीबी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मामला केवल और केवल उनके लिए यही है कि ये ड्रग कार्टेल आखिर कैसे वहां पहुंचा और इसमें किस तरीके से लोग शामिल थे, ये बात जाहिर है और इसी आधार पर उनसे पूछताछ की जा रही है और जो जानकारियां उनसे मिलेंगे उसी आधार पर कार्रवाई भी होगी। हालांकि अभी तक एनसीबी के अधिकारियों की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि जो भी अभी यहाँ ड्रग मिले हैं उनके पोजेशन से जो मिला है, जो कंज्यूम करने लायक है या जितनी मात्रा कंज्यूमेबल है वही मात्रा मिली है, लेकिन इस आधार पर भी उनके मामले पर केस बन रहे हैं और इसके बाद ही इनके पूरे स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद ही वो अदालत में पेश करेंगे और इसके बाद यह आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन ये तय है कि जो इस तरीके से जो एनसीबी ने अलग अलग मामले पूरे 3 महीने में जाहिर किए हैं और वो एक चौंकाने वाली बात है कि किस तरीके से ड्रग के अलग अलग कंसाइनमेंट अलग अलग जगहों पर पहुंचे जा रहे हैं, इसमें कई नामचीन लोग भी शामिल हैं जो कि एनसीबी ने कई बार खुलासा किया है। इस बार भी इस रेव पार्टी में भी स्पष्ट हो गया है कि कई नामचीन लोग इसमें शामिल हैं और उन नामचीन लोगों को लेकर ही एनसीबी ने आगे की कार्रवाई शुरू की है कि आगे जाकर यानी जो अलग अलग जो खास करके कारोबार से लोग हों, नामचीन लोग जो बिजनेस कम्युनिटी से हो, फिल्म फ्रेटर्निटी से लोग हों, वो किस तरह से इस कार्टेल में शामिल है इस बात को लेकर एनसीबी पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करना चाहती है। एनसीबी का एक अभियान चला है खास करके पिछले 1.5 सालों में पूरी तरह से समाज से लेकर और खास करके इन लोगों से जो ड्रग कार्टेल में शामिल हैं उन्हें पूरी तरह से स्पष्ट करने के हटाने की पूरी कवायद चली हुई है। इसी कवायद को लेकर ही इस तरह के इनपुट जब जहां जहां छोटे भी इनपुट मिलते हैं तो उसी तरह से पुख्ता किया जा रहा है और पुख्ता करने के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। 8 लोगों से पूरा जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, शाम तक शायद स्टेटमेंट रिकॉर्ड भी हो जाएगा और इसके बाद उन्हें अदालत में पेश भी किया जाएगा। अभी तक कुछ बातें जो स्पष्ट सामने आ रही हैं हमारे पास इनपुट मौजूद थे, जब शक हमारा पुख्ता होता गया तब जाकर कार्रवाई की गई है। डीजी ने तो ये भी कहा कि कोई भी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इनपुट मिलने पर कार्रवाई जारी रहेगी। सुनिए जरा। इस पर कार्रवाई पहले से ही हो रही थी, लगातार हम लोग इंटेलिजेंस गैदर कर रहे थे और ये भी था कि इनपुट्स पक्के हो जाएं, पुख्ता हो जाएं, उसके बाद कार्रवाई होगी। तो इनपुट जब पुख्ता हो गए उसके बाद ही कार्रवाई की गई है और इनपुट्स जब ये बताने लगे कि ड्रग्स कैरी किए जा रहे हैं, चरस MDM कैरी किया जा रहा है, साथ ही ड्रग्स का इस्तेमाल होने वाला है, तभी कार्रवाई हुई। अभी गिरफ्तारी नहीं कही जाएगी लेकिन डिटेंशन हुआ है, डिटेन किया गया है लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए और 8 लोगों को डिटेन किया गया, वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में शेयर किया गया है और लगातार ये कार्रवाई आगे भी होगी क्योंकि जो भी इनपुट्स इन लोगों से मिल रहे हैं उसको ही इनपुट मानकर आगे भी कार्रवाई हो सकता है कई दिनों तक की जाए। काम ये नहीं है कि किस इंडस्ट्री के लड़के और कौन काम कौन शामिल हो रहा है, कौन इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है, कौन फिल्म स्टार का बेटा है,
ये काम हमारा नहीं है। हमारा काम है एक समान पैमाने से कार्रवाई करना और उसी पैमाने से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और जो भी इसमें नेटवर्क में शामिल पाए जाएंगे चाहे वो किसी भी ओहदे के लोग हों कार्रवाई होगी। तो पुख्ता इनपुट के बाद एनसीबी ने कार्रवाई की है। आप सुन रहे थे जो बड़ी बातें सामने आई हैं। आगे भी इनपुट मिलेगा तो आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। 8 लोगों को पकड़ा गया है, उनसे एनसीबी की पूछताछ लगातार हो रही है। सूत्र बता रहे हैं कि नियम के अनुसार इन लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड उस वक्त हो रहा है, इसके बाद एनसीबी इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। 8 लोगों के नाम पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं, वो नाम लगातार हम आपसे साझा कर रहे हैं। डीजी निसाफ का कि बहुत पहले से जानकारी थी कि इस तरह की रेव पार्टी होने जा रही है, जब शक हमारा गहरा गया तब हमने कार्रवाई की है। डीजी ने भी कहा कि कोई भी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मतलब कोई कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, अगर इनपुट मिलेगा तो कार्रवाई होगी और कार्रवाई आगे भी अगर इनपुट मिलता है तो जारी रहेगी। तो मुंबई से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी एनसीबी की जो बड़ी कार्रवाई है रेव पार्टी पर, मुंबई में रेव पार्टी पर रेट की जो जानकारी है उसमें आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे का नाम शामिल है, उनसे पूछताछ हो रही। आर्यन खान ने साफ तौर पर कहा कि मुझे वीआईपी गेस्ट के तौर पर इनवाइट मिला था और मेरे नाम का सहारा लेकर और लोगों को भी इनवाइट यहां पर किया गया था। लगातार इन सभी लोगों से एनसीबी के दफ्तर में लगातार पूछताछ हो रही है। 8 लोगों के नाम सामने आ चुके हैं जिनसे इस पूरे मामले में पूछताछ लगातार हो रही है। राजीव रंजन लगातार मुंबई से हमारे साथ है। राजीव, अभी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही है, उसके बाद आगे की कार्रवाई क्या हो सकती है, क्योंकि 8 लोगों का डिटेंशन हुआ है इस पूरे मामले के तहत। देखिए, स्टेटमेंट के बाद इन्हें हॉलीडे कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट के सामने ही इनके जिस तरीके से जो मामले दर्ज किए जाएंगे, खास करके जो पूछताछ के बाद जो मामले दर्ज किए जाएंगे एनडीपीसी एक्ट के तहत, उसी मामले के बाद इन्हें अदालत में पेश किया जाएगा और इसके बाद अदालत से ही वहां इनकी जो जो आगे की प्रक्रिया है वो उस हिसाब से की जाएगी। ये अभी तक जो स्पष्ट हो पाया है कि जो इनके पोजिशन से जो ड्रग मिला है वो कंज्यूमेबल ड्रग है और इसी आधार पर इन्हें जो एनसीबी के जो एक्ट है वो 27C के तहत इन्हें मामले दर्ज किए जा सकते हैं और मामला दर्ज करने के बाद इन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। इनके साथ साथ इनके मेडिकल टीम में मेडिकल भी कराई जाएगी और मेडिकल कराने के बाद इनके अदालत में पेश किया जाएगा। इसके सबसे बड़ी बात है कि एनसीबी महज यहीं तक इस रेव पार्टी के ही तक रुकी नहीं हुई है, क्योंकि एनसीबी इनके पूछताछ के बाद आगे क्या प्लानिंग था, किस तरीके से था, उस पर भी आगे कार्रवाई करने के फिराक में है, क्योंकि ये अभी तक स्पष्ट हो पाया है कि ये पार्टी 3 दिनों तक चलने वाली थी। तो इसके अलावा जो बीच के खेप थे वो कहाँ से आने वाले थे, किस तरीके की बातें थी इनके, इन्हें जो इनवाइट किया गया था, इनवाइट करने के साथ साथ पूरी प्रक्रिया क्या थी, इन सारी बातों की जानकारी एनसीबी लेना चाहती है और लेने के बाद ही पूरी कार्रवाई को पुख्ता अंजाम देना चाहती है, क्योंकि रेड करना और इसके बाद जो कंज्यूमेबल ड्रग्स हैं यानी जो इनके पजेसन से ड्रग्स है वो प्राप्त करना ही एनसीबी यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि आपने अभी भी सुना कि डीजी का स्पष्ट बात कहा उन्होंने कि जो पुख्ता जो इनपुट हमें मिले थे उस इनपुट के आधार पर हमने कार्रवाई की है। तो इनपुट केवल यहीं तक नहीं है, इनपुट इससे आगे भी सप्लाई चेन क्या है उस बारे में भी एनसीबी पूरी तरह से तहकीकात करके उसे न्यूट्रलाइज करना चाहती है, क्योंकि पिछले आपने देखा होगा कि पिछले 3 महीने में जो अलग अलग इलाकों से जो ड्रग आए थे उनके सोर्स तक पहुंचकर एनसीबी ने उन्हें न्यूट्रलाइज करना शुरू किया है और उस मास्टरमाइंड को भी पकड़ना शुरू किया है। इस ड्रग रेव पार्टी में आखिर इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था, इस बारे में भी एनसीबी पहुंचना चाहती है। और ये पार्टी जिस तरीके से अलग अलग इलाकों से बुलाया गया था, दिल्ली बाकी जगह जगह से लोग भी आए थे, उन्हें वहां तक कैसे पहुंची थी, इस पार्टी की पूरी प्रक्रिया कैसे की गई थी, इस बारे में भी पूरी तरह से तहकीकात करके उस मामले तक भी पहुंचना चाहती है। क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले यानी लगभग 1 साल पहले जो पुणे में जो ड्रग पार्टी हुई थी, रेव पार्टी हुई थी, उसको भी बड़े गंभीरता से लिया गया था। इसके बाद से जो रेव पार्टियों का सिलसिला था एक तरह से बंद था, लेकिन इस बार ये लॉकडाउन के बाद ये शुरुआत हुआ है। इस रेव पार्टी के पीछे और मंशा क्या थी, क्या इनके अलग अलग भी प्लान थे, उस बारे में भी जानकारी लेना चाहती है और उस बारे में उन्हें पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करना चाहती है कि आखिर इन रेव पार्टियों का सिलसिला आगे किस तरीके से चल रहा था, आगे और कहां कहां इस बार रेव पार्टियों का सिलसिला चलने वाला था, इस बारे में पूरी तरह से तहकीकात करके
और इस मामले में कौन कौन से लोग शामिल हैं, इस बारे में भी पूरी कार्रवाई करने के फिराक में है एनसीबी। बिल्कुल जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ है। जितेंद्र, बहुत सारे संगीन सवाल है जिसका इस रेव पार्टी में हुई रेड के साथ सरोकार है। ड्रग्स कहां से आते हैं, क्या जरिया होता है, किसने ऑर्गेनाइज किया, किसने इन्वाइट किया, और आर्यन कह रहे हैं कि उनको वीआईपी गेस्ट के तौर पर इन्वाइट मिला था और उनके नाम के सहारे और लोगों को इन्वाइट किया गया था। तो ऐसी बहुत सारी कड़ियां हैं अभी, हालांकि शुरुआती तौर पर जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड हो रहा है। अगली कार्रवाई क्या होगी उस पर नजर लगातार, और साथ ही साथ जो तमाम इनपुट्स अब तक के मिले, अगर आगे भी इनपुट मिलते जाएंगे तो कार्रवाई इसी तरीके से होगी, साफ तौर पर एनसीबी के प्रमुख ने कहा। देखिए निधि, अगर इसको बैकग्राउंड को देखें, अगर जो कल जो रेव पार्टी में एनसीबी ने रेड की है, तो इसकी शुरुआत की थी पिछले साल एनसीबी ने, जब सुशांत राजपूत की जो मौत हुई थी उसके बाद जब एनसीबी ने अपनी जांच की शुरुआत की थी, तो उसी दौरान पिछले साल सितंबर में ही सबसे पहले रेया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था, जो एनडीपीएस की सेक्शन 27A है, उसके भाई शोभित को गिरफ्तार किया था, और उसके बाद से एक तरह से कह सकते हैं कि जो एनसीबी ने अपना जो रेड है उसको, जो दायरा है उसको काफी बढ़ा लिया था। उसमें जितने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो ड्रग कंज्यूम करने वाले हों, ड्रग लेने वाले हों, चाहे वो ड्रग पेडलर हो यानी कि जो ड्रग बेच रहे हैं, चाहे कि वो आप कह सकते हैं कि ड्रग स्मगलर हैं जो कि विदेशों से भारत के अंदर ड्रग लेकर के आगे सप्लाई कर रहे हैं, तो इस पूरी सप्लाई चेन को तोड़ने में लगी हुई थी। ऐसा नहीं है निधि कि सभी सिर्फ एक ही सप्लाई चेन से जुड़े हुए हैं, अलग अलग इसमें ड्रग पेडलर थे जिनको अलग अलग समय पर गिरफ्तार किया गया था। इसमें काफी सारे जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज थे उन सबको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था कि जिन जिनके ड्रग तस्करों से या पेडलर से किसी तरह के संपर्क हो सकते हैं या उन्होंने कभी किसी समय में ड्रग ली हो, तो बड़े बड़े जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेज हैं, उन सभी को पिछले साल जो है एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। इसमें जो एक सबसे बड़ा नाम आया था वो अर्जुन रामपाल की जो पार्टनर है उसके भाई को जो एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि जो उसका अर्जुन रामपाल की जो पार्टनर है उसका भाई जो है वो काफी बॉलीवुड पार्टीज में ड्रग्स को सप्लाई किया करता था, काफी अच्छे कनेक्शंस थे, और ये भी जानकारी मिली है कि ये जो टिप ऑफ मिली थी ये भी उसी के इनपुट के आधार पर मिली थी। तो इस तरह से जिन लोगों से पूछताछ की है और जिन लोगों के कनेक्शन हो सकते हैं, संपर्क हो सकते हैं जो ड्रग्स बेच रहे हैं या इधर से उधर तस्करी कर रहे हैं या इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज तक वो ड्रग्स पहुंचा रहे हैं या इस तरह की रेव पार्टीज में जो ड्रग्स पहुंचा रहे हैं, उन सभी को सिलसिलेवार तरीके से एनसीबी पकड़ रही थी, गिरफ्त में ले रही थी, और चेन दर चेन यानी कि जैसे जैसे कड़ियां जुड़ती जा रही थी उसी तरीके से उन लोगों तक पहुंचती जा रही थी। और इसी तरीके से जो कल ये जो रेव पार्टी में एनसीबी ने अपनी रेड की है, ठीक इसी तरह से कड़ियां जोड़ते हुए यहां तक पहुंची है। और अब क्योंकि एक बड़ा सवाल इसके अंदर ये भी आता है निधि कि ड्रग्स की मुंबई के अंदर जो तस्करी हो रही है, पेडलिंग हो रही है, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज तक जा रही है या दूसरे लोगों तक जा रही है, ये जा तो रही है लेकिन ये आ कहां से रही है? तो इसका बड़ा सवाल ये है कि विदेशों से जिस तरह से ये तस्करी होकर के भारत में आ रही है और जिस तरह से एक बड़े स्केल के ऊपर, एक कह सकते हैं कि एक बड़े स्केल पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ड्रग्स और उसके बाद ये इस तरह पार्टी तक पहुंचती है, तो उस चेन को पकड़ना बेहद जरूरी है एनसीबी के लिए। जब तक वो चेन को नहीं तोड़ेगी एनसीबी तब तक ये ड्रग्स जो है इसी तरह से सर्कुलेट होती रहेगी। हालांकि एनसीबी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, डीआरआई भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, जिसमें भारत के बाहर से जब ये ड्रग्स आती है तब जो तस्करी होती है, तो उस पूरी चेन को तोड़ने में लगी हुई है, क्योंकि हमें सप्लाई चेन को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ड्रग्स कहाँ से किस तरह से आती है, किस किस रूट से भारत में दाखिल होती है, फिर उसके बाद किस तरह से वो इन सभी लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होती है, कौन कौन लोग इनके खरीदार हैं, कौन कौन लोग बिचौलिए का काम करते हैं जो कि खरीदार तक और तस्करों के बीच में काम करते हैं, तो ये जो पूरी चेन है इन सबको पकड़ना बेहद जरूरी है। और यही वजह है कि पिछले साल बिल्कुल जितेंद्र, इस खबर पर नजर लगातार, आप उन तमाम बड़ी बातों का जिक्र कर रहे हैं जो पूरा सप्लाई चेन है, वो ड्रग्स कहां से आते हैं, किसके जरिए आते हैं, तब जाकर इन लोगों तक पहुंचते हैं। हालांकि ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनको खंगाल रही है, वो सवाल जवाब एनसीबी ऑफिस पे उन 8 लोगों से लगातार हो रहे हैं जिनका डिटेंशन हुआ है। इसमें अरबाज मर्चेंट है, आर्यन खान है, मुनमुन धमेचा, नूपुर सारिका, इसबीत सिंह, मोहक जसवाल और विक्रांत छोकर समेत गोमित चोपड़ा। एनसीबी ने साफ कहा कि उन्हें पूरी कार्रवाई खुफिया जानकारी मिलने के बाद की थी। इस खबर पर नजर लगातार, बहुत शुक्रिया राजीव रंजन, बहुत शुक्रिया जितेंद्र शर्मा आपका। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।